नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं सोना आपका अपने YouTube चैनल यू एस्ट्रोलॉजी में स्वागत करती हूँ। सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर कीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की इंफॉर्मेशन मिल सके। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि यह जो राशिफल हम तैयार करते हैं, यह गोचर और चंद्रमा की करंट पोजीशन को ध्यान में रखते हुए करते हैं। इसका प्रभाव जातक के जीवन में एक लिमिट तक पड़ता है, क्योंकि उसके जीवन में होने वाले उतार चढ़ाव उसके पर्सनल हॉरोस्कोप पे डिपेंड करते हैं। दशा और अंत दशा की कैलकुलेशन इसमें बहुत महत्व रखती है। हमारी कोशिश होती है कि कैलकुलेशन बेस्ट से बेस्ट कर सके, ताकि आपको सही इंफॉर्मेशन प्राप्त हो। अगर आपको नहीं पता कि आपकी राशि कौन सी है, तो जानने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी बर्थ डिटेल डालकर इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। हम ये सेवा निःशुल्क प्रदान करते हैं। मिथुन राशि, तो आइए जानते हैं मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा। स्वामी बुध, मनपसंद रंग हरा। मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह एक मिला जुला फल देगा। सप्ताह की शुरुआत पार्टनरशिप के लिए काफी अच्छी है। कोई नई पार्टनरशिप की तैयारी करेंगे तो वह भी लाभकारी होगी। किसी छोटे भाई बहन के साथ भी पार्टनरशिप की संभावना हो सकती है। व्यापार में बढ़ोतरी होगी। जहां से पैसे आने की उम्मीद नहीं थी, वहां से भी पैसा आ सकता है। जिनको काम के लिए देश भर में यात्राएं करनी पड़ती है, उनकी यात्राएं भी सफल होंगी। व्यापारियों से संबंध सुधरेंगे और कुछ नए व्यापारियों के साथ व्यापार करने के रास्ते खुलेंगे। शिक्षा संबंधित व्यापार या विवाह संबंधित व्यापार, जैसे कि मैरिज ब्यूरो और मैच मेकिंग सर्विसेज आदि व्यापार को एक अच्छी आमदनी के संकेत है। जिनका विवाह काफी समय से रुका हुआ है, उनके विवाह के योग खुलने की संभावना है। विवाह हेतु रिश्ते कुछ जान पहचान के लोगों से आ सकते हैं। पति और पत्नी के संबंधों में भी सुधार के योग बने हुए हैं। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह अच्छे अवसर ला सकता है। जिनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, इस सप्ताह उनकी रुचि भी पढ़ाई में बढ़ेगी। वह शिक्षा से संबंधित प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। बिजनेस मैनेजमेंट और मार्केटिंग, इन क्षेत्रों में नए रास्ते की ओर अग्रसर होंगे। सप्ताह का मध्य और अंत व्यापार क्षेत्र के लिए कुछ अच्छे फल नहीं लाएगा। व्यापार में पार्टनर से कुछ कहासुनी होने के कारण आपके व्यापार को कुछ हानि होने की संभावना है। इसलिए कोशिश करें अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें और कोई भी फैसला हो उसे ठंडे दिमाग से करें। सप्ताह के मध्य में विद्यार्थियों का मन विचलित होने की संभावना है। पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। और अगर आप लंबे समय से किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो एक छोटा सा ब्रेक ले लें, अन्यथा मन कुछ इधर उधर आकर्षित होगा। परेशान ना हो, सप्ताह के अंत में सब ठीक हो जाएगा। प्रेमी और प्रेमिका में भी कुछ मन भटक सकता है। आप कुछ नए लोगों की तरफ आकर्षित हो सकते हैं, किंतु एक बात का ध्यान रखें, यह जो आकर्षण होगा ये कुछ समय के लिए ही होगा और आपको पीड़ा पहुंचाकर जाएगा। साथ ही जल्दबाजी एक क्रोध में निर्णय लेने से बचे। सप्ताह के अंत तक स्थिति में सुधार होगा। तो आइए अब हम बात करते हैं उपायों की। देखिए दोस्तों, हमें बहुत मेल्स और फोन कॉल्स आती हैं उपाय के विषय में। मैं आपको
बताना चाहूंगी कि हर कुंडली का उपाय उसकी दशा और अंत दशा के हिसाब से बताया जाता है, और अगर हम कॉमन उपाय बताएंगे तो यह आपके लिए किसी भी तरह से लाभदायक से नहीं होगा। उपाय राशि के हिसाब से नहीं, बल्कि जो ग्रह आपके खराब हो उसके हिसाब से करने चाहिए। अगर फिर भी आपके कार्य नहीं बन रहे तो आप किसी गरीब को भोजन करवाएं या किसी बीमार व्यक्ति की मदद करें और रोज भगवान का शुक्रिया अदा करें कि इस जीवन को प्रदान करने। देखिए मित्रों, हमारी कोशिश यही है कि ज्योतिष के माध्यम से हम किसी भी प्रकार की कोई गलतफहमी या कोई गलत मैसेज समाज में ना पहुंचाए, जिससे कि हमारे देश और हमारी संस्कृति को गलत नजरिए से देखा जाए। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम ज्योतिष से जुड़े कुछ नए वीडियो आपके लिए बना सके। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका सप्ताह शुभ रहे।